अपनी सेफ्टी रखें, सांप से बच के रहें। बाकी अंत करीब आ चुका है मेरा। गाइस वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज नेहा और मैं अगेन आ गए एक नए व्लॉग के साथ। तो आज हम घूमने आए हैं ओखला वर्ल्ड सेंचुरी भूतनगर। तो ये पड़ता है, ये ओखला वाला मेन रोड है यहाँ पे, और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है इसके लिए ओखला वर्ल्ड सेंचुरी। उससे 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, तो यहाँ पे आप आ सकते हो। चलो करते हैं एंट्री और दिखाता हूँ मैं सारी चीज़ें आपको। आ जाओ। और एंट्री वैसे तो हमने ऑलरेडी टिकट ले ली है। यहाँ पे टिकट चार्जेज है 30 रुपीज़। और ये क्या बोलेंगे इनके, बग्गी, ये गोल्फ वाली गाड़ियाँ टाइप, इसके चार्जेज है 40 रुपीज़। ये भी आपको पूरा अंदर तक घुमाएगी और वापसी लेके आएगी। और सबसे मेन चीज़ वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा आपको। तो चलो अभी चलते आ जाओ। गाइस एंट्री करते ही सबसे पहले ये तो एक ऑफिस बना हुआ है ने ओखला वालों ने, ठीक है। और लेफ्ट साइड में है ये यमुना रिवर है, तो यहाँ का व्यू काफ़ी बढ़िया है। वो भी आपको अभी नहीं दिखाएंगे, अभी पहले हम पूरा अंदर घूम के फिर आते हुए दिखाएंगे आपको। और आगे चलते हैं, ये टिकट काउंटर है, ठीक। और ये है एक कैफ़े बनाया हुआ है नेचर वर्ल्ड कैफ़े नाम से, ये अपना फेवरेट खाना पीना कर सकते हो। बाकी ये थोड़ा कैफ़े वाला लुक भी टाइट है। चलो अब तो गाइस एंट्री तो कर ली है हमने, पर अभी तक कोई भी बर्ड दिखा नहीं है। पीछे एक पोस्टर था तो आई थिंक नील कुछ नाम से था, बट वो भी नहीं है। ये है पर्पल हिरोन, लाल अंजन, ये भी कहीं नहीं दिख रहा अभी तक तो मुझे कुछ भी नहीं। अभी तो बस जस्ट साइड में ये सिटिंग का बना रखा है यमुना रिवर के पास व्यू के लिए। उसके अलावा तो ना कोई बर्ड दिखी ना कुछ दिखी। चलो देखते, कुछ दिखेगा तो आपको भी दिखा देंगे, खुद भी देख लेंगे। चलते चलो, कुछ नजर नहीं आया, कुछ भी नहीं दिखा, हम तो चलते जा रहे हैं। पता नहीं ये सफर कब खत्म होगा। ये आ गया ग्रे हिरोन यार, कुछ कुछ ये दिखाई नहीं है, कुछ आवाज तो आई है, आई है कुछ आवाज, पर ढूंढना पड़ेगा कहाँ कहाँ से आवाज आई है। कूदू के अंदर? हाँ जाओ जाओ जाओ, कूद ही जाओ। ये साइड में नदी है, वहीं बह जाऊंगा मैं। नहीं यहाँ से नहीं निकल सकते आप नदी में। एक ये है ब्लैक हेडेड गुल, ये भी कहीं नहीं दिख रहा मुझे, बस ये ऐसे ही दिख। भाई आ जा थोड़ी देर के लिए बाहर, वो भी नहीं है। देखते हैं सफर कब खत्म होगा। व्यू अच्छा है, नहीं अभी तक तो बस मुझे एक चीज की आस है कि जब हम पूरा घूम के आ जाएंगे उसके बाद वापसी में ये यमुना रिवर का व्यू देखेंगे बस, और तो मुझे कुछ नहीं लग रहा। बाकी ये है कि मुझे ये लग रहा है कि आज मौसम ठीक है ना नेहा, शायद कल यहाँ बारिश हुई है, ठीक है बढ़िया चीज़ है। भगवान जी को पता था जब आने वाले तो बारिश करवा दें। अब नेक्स्ट आ गया ये है, यहाँ पे तो हम वो भी नहीं कर सकते, गैस गेम भी नहीं खेल सकते ना यहाँ, नहीं खेल पता ही नहीं है कुछ। तिलियर मैना उसने तिलोरा कॉमन स्टर्लिंग, अब ये तो ये भी दिखा नहीं कुछ, कुछ भी नहीं है। तो अब तक कोई बर्ड या कुछ दिखा नहीं आपको? क्या दिखे? कुछ बर्ड दिखे मुझे, कौन से बताओ? नाम बताओ। सस्पेंस, मैं लास्ट में बताऊंगी कौन से बर्ड्स मुझे दिखे। मुझे तो अब तक एक मेरे ख्याल चींटी भी नहीं, चींटी तो दिख गई, चलो चींटी तो दिख गई एक, और कुछ नहीं दिखा अभी तक। और ये रास्ता एक ये दिखा रखा है, सो मुझे लगता है हमें यहीं जाना चाहिए, नेचर ट्रेल इसके अंदर देखते हैं। बाकी यहाँ पे भी कुछ है नहीं, थोड़ा आगे और दिखाते हैं, ये तो फिर यहीं पे चलेंगे। चलो चलते आ जाओ। तो गाइस एक चीज़ हमें दिखी है, अब ये नहीं पता वो भी वही है यानी ये है ब्लैक ड्रोंगो कोतवाल, ये मैंने आगे देखा है। हम आगे चले गए थे देखते देखते, वहाँ कुछ दिखे पर कुछ दिख नहीं रहा था, बट फाइनली दिखा तो मगर दिखाते क्या लगता है वो अभी तक रुका गई वो भी देखो नहीं बैठी है, दो तीन बहुत सारी बैठी है यहाँ पे। कहाँ वो बैठी कोतवाल, दिखाऊं? ये वो भी उड़ गए हैं अब। हाँ उन्होंने सुन लिया कि हमने उनको पकड़ लिया। हाँ कोतवाल बैठे थे यहाँ पे ये। फाइनली 30 में से 10 रुपए पूरे हो गए। बाकी हमने टोटल 60 दिया ना, अभी तो 10 पूरे हुए, 50 बचे हुए। ये तो ऊपर ही बैठ गई नहीं है, आई थिंक कहाँ हो रही है, नहीं
मुझे नहीं दिख। एक बोरी, अरे बोरी ये दी, एक तो गाइस एक ही बर्ड बैठी है, ये बैठी है ना, आई थिंक ये कुछ और है, बट ये फोटो अलग है, ये कुछ और है, वो भी उड़ा दी, उड़ा दी वो भी। बोरी यहाँ पे खतरा भी है। किस चीज का? कांटों का। हाँ। ओ वाह गाइस, कांटा लगा, कांटा लगा। जाके डेटॉल लगा। इसकी भी देखना पड़ेगा वैसे, कांटे वाटे भी रहेंगे गाइस, देख लो आपके चक्कर में, बर्ड्स के चक्कर में कांटे लगे, कांटे लगवा रहे हैं। मजाक कर रहा हूँ, जूतों के आर पार नहीं गए। और नेक्स्ट एक ये बैठने का एक और व्यू बना रखा है, बैठ के देखो ना। हाँ हाँ चलो 5 मिनट रेस्ट करते हैं फिर आगे चलेंगे। यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं थोड़े बर्ड, जैसे ये तो बगुले बैठे हैं और उसके साथ में एक ब्लैक ब्लैक सा बैठा है, और जैसे देखो वो पीछे वो है ना, वो डंडे टाइप बना रखे, उनके ऊपर बैठे हैं सब पे एक एक, अभी तक यही दिखे हैं। और ये है, ये क्या नाम है, हिंदी में सरपट्टी सवन, ये दिखा नहीं है अभी, देखते हैं चलो आगे, देखते हैं चलो अंकल जी से पूछते हैं कि आगे वो क्या है। जब और आगे कुछ नहीं अंकल देख रहेगा, ऐसे ही है, कितने दूर हो रहे हैं? दो भी धूप है वहाँ पे भी, धूप ही धूप। अच्छा अच्छा, तो भाई जैसा कि आपने सुन ही लिया होगा, आगे कुछ है नहीं ज्यादा, और इवन अंकल तो ये कह रहे हैं कि आगे तो धूप इतनी है, पेड़ वगैरह भी नहीं है। तो यहीं से हम अपना सफ़र वापसी की तरफ करते हैं। अब थोड़ा यमुना रिवर है ना, यमुना रिवर का व्यू देखेंगे, थोड़ा वहाँ बैठेंगे और देखते क्या है। एक वो ट्रेल आया था ना बीच में रास्ते में, हाँ। तो उसमें चल के आएंगे। तो बाकी ये देख लो, यहाँ सीधे चल के बस यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, बर्ड वगैरह भी नहीं है ज़्यादा। चलो आ जाओ चलते हैं वापसी, और आगे दिखाएंगे आपको। तो गाइस पीछे तो हम होके आ गए, वहाँ तो कुछ मिला नहीं, तो अब नेक्स्ट कुछ भी चलते हैं। यह है नेटिव ट्रेल, इसके अंदर चलते आ गए, यहाँ साइड कुछ देखने को मिल जाए। क्या लगता है दीप, मिलेगा? एडवेंचर है यहाँ पे, आप कर सकते हो। छोटा सा एडवेंचर, छोटा मेज कहते हैं ना इसे, मेज आई थिंक, पता नहीं, एक एडवेंचर तो कर लिया। नेक्स्ट है यहाँ पे ये शिवहंस, एक शिवहंस है, और ये गीला है, थोड़ा ध्यान से आना कैमरामैन। ओके ये है बथक, इसमें देखते तो दिखेगा, तो कुछ भी नहीं है यहाँ तो, बाकी व्यू काफी बढ़िया है ना। हाँ व्यू नाइस, व्यू तो मन कर रहा है एक बार जंप मार के आ जाए। जाओ मारे आओ, स्विमिंग नहीं आती। ये वैसे लगाया क्यों? मेरे उसमें भी यही सवाल था कि आखिर ऐसे लगाया क्यों? क्यों? किस लिए? कितना कितना यहाँ पे वो क्राउड हो रहा है? हाँ, जैसे ट्रेन निकल रही है यहाँ पे। बच्चे देखो मस्ती मार रहे हैं उधर। बाकी नीचे एक चीज हो रहा है, वो दिखो क्या? क्या? एक साल, ये आई थिंक नाव ही है, नाव। ये नाव है, नाव नहीं, ये ड्रम रखे हैं, ये पानी में तैरती होगी। हाँ हाँ नाव है ये, बट अभी के लिए बंद है ये। हो क्या इस पे? तू मेरी फोटोज खराब कर रहा है। हो क्या आता है इस पे? मैं नहीं जाती, जाओ बस, मैं इससे नीचे नहीं आऊंगी। ये दरवाजा भी खोल रखा है, ये बढ़िया चीज है, देसी नाव, इंडियन नाव। चलो आ जाओ आगे चलते हैं। तो आगे लोया देख ले, नहीं वो जिम से ले रहा है, मैं जिम से ले रहा
एक बोर्ड तो लगा हुआ है कि यहाँ पे सिक्स टाइप के सांप है, कोबरा, रेड सैंड, बाऊ, पता नहीं क्या क्या सांप है। तो ये अपनी सेफ्टी रखें, सांप से बच के आए। बाकी अंत करीब आ चुका है मेरा नहीं ओखला बायोडाइवर्सिटी का, तो चलो चलते हैं। ये गेट लगा रखा है, अभी गेट पूछने की बात है, वैसे ये गेट भी किसने एंड बंद करते होंगे ये। हाँ ये है, कुछ नहीं बस ये लिखा है कि सोशल डिस्टेंसिंग और कैफे के बारे में बना रखा है, और एक ये सीटिंग का बना रखा है। ये देखता हूँ मैं, वैसे यहाँ गीला गीला है पर आपके लिए, आपके लिए मैं यही रुकूँ, खतरों से खेलूंगा मैं। ये बढ़िया बना रखा है सीटिंग का। अच्छा आना पड़ेगा कैमरामैन को, कैमरामैन को आना पड़ेगा खतरों से खेल के। तो गाइस एक ये काफी बढ़िया बना रखा है यहाँ पे बैठने में, ऐसे में कैमरे भी देख। तो गाइस इसके बाद एक है ये, अब आइए एक असली नाव, और असली नाव के अंदर बना रखा है असली बैठने का, ये बैठने का सिस्टम बना रखा है नाव में, ये काफी बढ़िया है ना, इसमें बैठ के व्यू देख सकते हैं, ये चीज कर सकते हैं। चलो बस यही था ओखला बर्ड सेंचुरी, अब चलते हैं वापसी, आ जाओ। तो भाई पूरा ओखला बर्ड सेंचुरी घूम के आ गए, तो हमने सोचा कुछ खा भी लेते हैं, खा भी लेते हैं। एक स्ट्रॉबेरी शेक लिया 70 rupees का, बट वर्थ नहीं है, वो भी नहीं है, टेस्टी नहीं है इतना, उससे ज़्यादा तो ये 15 rupees की चिप्स टेस्टी है। और एक जैसे मैं सबसे मेन चीज़ आपको जब एंट्री की थी मैंने बताई थी कि आपको लास्ट में बताऊँगा, वो ये यहाँ पे पार्किंग की कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। अगर आप कभी यहाँ घूमने आओगे तो गाड़ी आपको पार्क करनी पड़ेगी, यहाँ नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है ओखला बर्ड सेंचुरी, वहाँ पे आपको पार्क करनी पड़ेगी, और फिर वहाँ से 5 minutes का वॉकिंग डिस्टेंस है, फिर आप यहाँ पे आ पाओगे। तो ये एक मेन डिसएडवांटेज है बस, बाकी अंदर भी ज़्यादा कुछ था नहीं। देखा आपको लगा कुछ था देखने का ज़्यादा? बस ये रिवर पे हैं थोड़े से बर्ड, हाँ, बस उसके अलावा रिवर पे थोड़े बर्ड हैं और रिवर साइड व्यू देखने का है बस, हाँ, बस। बाकी कुछ नहीं था। बाकी आज के व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और चैनल बनाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।